अपन भाग्यशाली है कि अपने बीच में आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आदरणीय सतीश जी पुनिया साहब, आदरणीय मंत्री महोदय जोगी जी गिरिक साहब, आदरणीय सावला राम जी, आदरणीय नवदीप तेरू साहब और समस्त गोमरा मेरा पिता तुल्य भाइयों बहनों, सर्दी बेला तो मु आपने बहुत बहुत धन्यवाद दो, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ कि मु आप बस में आवे की हो कि नहीं आई हो, कि मीटिंग की थी कि नहीं की थी, कि मलिया कि नहीं मलिया, मगर आपने तह दिल थी इटा थी भारी बहुमति भारतीय जनता पार्टी जितावे और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने हाथ मजबूत किया है रास्ते में आप तह दिल से आभार व्यक्त करो, बहुत बहुत धन्यवाद दो और मारा लायक कोई भी कॉम्बो में हमेशा वास्ते आप बस में रही मैं करवा कोशिश करूँ। अब यहाँ पे भरे मलैया और साहब रेठे आबू रोड से है और हरियाणा का संगठन प्रभारी है, ताज़ा नियुक्त किया है, आप लोग स्वागत करो मैं जाड़ो विधानसभा क्षेत्र में दहीवा गाँव में और अच्छो अपना भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है गाँव, खूब अच्छा वोट मिले अपने हमेशा ही और आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। धूमाराम जी एम पी बनिया के बाद आपके गांव में पहली बार पधारिया है, लूमाराम की तरफ से भी धन्यवाद। सावला राम देवासी अपना प्रदेश मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, सभी साहब रोज जुड़कियों कार्यक्रम तो बड़े लंब लंब हो गया, आभार भी बहुत जल्दी है, आपने अबरोड पुगना है शाम तक तो गाँव रे वास्ते तो आपने जो काम आप रहा है को बड़े बड़ा है, सड़क वालों को बहादुर वालों कर लीजिए लेकिन भेज दिए मैं लेकिन भेजिए ब्रो भेजिए एंड बजट में आपने और टेका भेजे और बाकी भी जो कोई काम आप रहा है सब वेला। लाइट की समस्या भारी है, वहाँ मेटनी है मेटेरिया वहाँ पाँच साल में लाइट का सिस्टम ने सब बिगाड़ी हो ब्रो जलो साहब, तो वो पाचों पटरी में लावारी कोशिश सरकार कर रही है और पानी जो घर घर कनेक्शन वाली जो योजना है जो पाँच साल तक बिल्कुल धीमी गति में आती, हमें थोड़ी फटाफट स्पीड पकड़ी है तो वह जल्दी में जल्दी आपने पूरा भेजा काम वह भी कोशिश करे जाऊँ और बाकी भी जो को भी आप काम बढ़ाओला। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि जोगेश्वर जी को भी और हमारे लूम्बाराम जी को, आप लोगों ने बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत मजबूती के साथ दोनों को बहुत मजबूती से जिताया और इस पवित्र पावन भूमि पर महादेव जी की कृपा है आप सब लोगों पर। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हम सनातनी लोग हैं, आस्थावान लोग हैं और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम सब लोग समाज का 36 कौम का मिलकर काम करते हैं। हम सब का सौभाग्य है कि देश में सनातन संस्कारों की सरकार है जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से शुरुआत करी है, जोगेश्वर जी ने आश्वस्त किया ही है क्योंकि इस डबल इंजन की सरकार में जोगेश्वर जी को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के लिए वो कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। आचार व्यवहार से लूम्बाराम जी मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के सांसद के नाते एक अच्छा विकल्प हम लोगों को मिला है, तो मैं आप सब लोगों को पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सब बुजुर्गों ने पार्टी को आशीर्वाद दिया, लूम्बाराम जी को, जोगेश्वर जी को, हम सब लोग इसी तरीके से आपके आदेश की पालना करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।